अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनएडिटेड अनफिल्टर्ड लाइफ फॉर अ चेंज. डेलाइट है और व्लॉग शुरू हो गया. यहाँ पे आज है संडे, सो आज सुबह से हम थोड़े से बिजी रहे हैं इधर उधर और अभी हम जाने लगे हैं अफ्तारी पर हसान की दादी माँ के घर. तो यस हाँ जी. सो 20 की बैटरी भी लो. आई थिंक अगर मैं कोई क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकी तो मैं अपने फ़ोन से कर लूँगी, बाकी मैं घर आके व्लॉग करूँगी. कहीं जाके आप व्लॉग नहीं कर सकते. नॉट एवरी वन अप्रूव्स ऑफ योर. सो यस दैट्स माई अपडेट. एंड रमज़ान जो है अब ख़त्म भी होने वाला हो गया. आहत के साथ क्या होता है कि हम ना कहीं भी नहीं जा सकते अफ्तारी के टाइम, क्योंकि वो टाइम आहत की भूख का भी होता है और उसको स्नैक टाइम होता है, और फिर वो अगर सारा दिन से जाग रहा है खेल रहा है तो वो भी इरीटेट हुआ होता है. इसलिए जब से रमज़ान शुरू में आसान सोच रहे हैं कि हम जाएंगे क्या कहते हैं कहीं बाहर इफ्तारी करने, पर हम वो भी नहीं जा सके क्योंकि आहत के साथ हम कहीं जा ही नहीं सकते. आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है? बेटा बेटा ना ये तो करता है ना, इसको से निचोड़ के खा जाऊँ. क्या दिल करता है मेरा कभी कि मैं इसको ऐसे करके खा जाऊँ? कैसे खा जाऊँ? इसी चलता रहता है सांस सारा दिन. फिर भी देखिए आज के बालों में पसीना आया है. अच्छा लास्टली आपने देखा था कि हम कहीं और इफ्तारी करने जा रहे थे, आज हम बाहर करने जा रहे हैं और लिटरली बाहर ही करेंगे. बाहर बैठ के हसान ने मुझे कॉल करके कहा कि बाहर इफ्तारी करेंगे आज हम कहीं पे. ठीक है, आई वाज लाइक ओके. मैं इतनी जल्दी 6 बजे हसान ने मुझे बताया नहीं, और कहा कि 6:15 चलो जो भी था, मैं 6:15 जाना है. इतना कैमरा हिल रहा है, सॉरी. आहत को मैंने डाइपर चेंज किया फटाफट और मैंने फ़ौरन से जाके 10 मिनट के अंदर मेकअप किया. और हसान ने कहीं बुकिंग नहीं कराई थी, कोई रिजर्वेशन नहीं कराई थी. मंडे मिले आपको और हमें कई जगह नहीं मिली थी. बहुत मुश्किल से हमें पोर्टेबल होने दी. हसान ने उनको कहा अगर हमें आप सॉरी का कैमरा हिल रहा है कि आप अगर हमें बाहर लगा दें टेबल तो हम वहाँ बैठ जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, आपको आउटडोर सेटिंग करा देते हैं. तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं. सॉरी हुआ हसान, यू आर नॉट. आई एम सॉरी, आई माय मूड. यार मेरा इतना अच्छा मूड था, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और ऐसे आराम से मेरे साथ ऐसे किया. हाँ थैंक यू आपने कैमरा को करने के लिए. मेरा मैंने करानी जी जी आपने मुझे उतनी क्या हुआ आज आपको? क्या हुआ आज आप इतनी शरारती मूड में क्यों है? हम यहाँ कैमरा पकड़ना चाहते हैं. क्या बोल रहे हैं? लोग बैठे हैं गाइस, ये देखें एवरीबॉडी सिटिंग इनसाइड. आई और मैं हसान ये फोटो पहले है यहाँ बाहर बैठे. हाँ और हमारे आगे पीछे कोई नहीं बैठा. मजे की बात ये है मेकअप मेरा मेल्ट हो जाएगा, जिसके बाद कहीं और भी जाना है एक्चुअली. बट हाँ स्टोरीज के लिए तो नहीं इतना होगा. फॉलो मी इंस्टाग्राम गाइस इफ यू नॉट, बिकॉज आपको वहाँ पता लगेगा कि मैं कहाँ मतलब कहाँ जाना है मुझे. सो यस, इसके लिए भी मुझे आज तैयार होना ही था, बट आराम से होना था. हसान की वजह से मुझे जल्दी होना पड़ा. अफ्तारी भी हमारी थोड़ी सी ख़राब हुई और अब बाई गर्मी में मुझे पसीना आ रहा है और हम करेंगे अफ्तारी. अंदर भी वैसे शिट लाइट ही थी. यहाँ भी ऐसी है, दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट प्लेट और ये हसान की है. इसमें कुछ भी नहीं है. हसान आप क्या ले रहे हो? मैंने भी सैलड लिए हैं, दो तरह के, जैसे एग प्लांट वन और फिश और दो पास्ता एंड स्पेगेटी. दैट्स इट. क्या सबने कर ली है अफ्तारी? अब मुझे मेट्रो जाना है तो अब हम वहाँ जाएंगे, फिर हम हाथ मामा की तरफ से पिक करेंगे. आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फेस थोड़ा पफी हुआ है. हाँ, दे दें. हसान ने 3 दफ़ा फ्री फिल किया, आई डिड 2 टाइम्स एंड मीठा ठीक था.
आई लाइक के मीठे मैंने 13 रखा होता और उसका टेस्ट वैसा ही है जैसा लाइक जो ऑर्डर करके करता है। बाहर बैठ के कितना मज़ा आया आपको? मुझे बाहर बैठना ज़्यादा पसंद है बट प्रॉब्लम ये थी कि जो कोई और टेबल लगे होते ना खाली तो हाँ अगर इर्द गिर्द कोई और टेबल बल्कि खाली टेबल भी होते ना तो भी ठीक होता, वो बीच में सिर्फ हमारा टेबल था ना which is why it was very awkward। वरना मुझे तो बाहर बैठना सबसे ज्यादा पसंद है। अभी आई थी और बता रही थी कि फालसे का शरबत आप लोगों के लिए बना के रखा है, तो मैंने बोला मैंने अभी पीना है, तो कहती वो शायद जम गया, मैं देख के आती हूँ, चली गई। आहद खा रहा है खाना, हेंस द टीवी की आवाज़ पीछे। और हम लोग घर आ गए हैं, आई वेंट टू मेट्रो, आई गॉट 2 शूज, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। ऑल्सो मैंने ना क्या आजकल मुझे ना जो वो अफगानी और एंटीक इस तरह की ज्वेलरी होती है ना उसका बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है, एंड आई जस्ट केम अक्रॉस अ फ्यू पेजेस जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ी रीजनेबल प्राइसेस है, वरना देयर वाज दिस वन पेज जहाँ पे काफ़ी प्रिटी ज्वेलरी थी बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लुक एट दिस, ये है इयररिंग्स इसके साथ पीकॉक वाले, दिस इज़ द नेक पीस। किसको मैसेज कर रही हूँ? अच्छा हाँ सर, हाउ क्यूट इज दिस एलिफेंट्स, और ऐसे साइड पे पीकॉक और बने हुए हैं। ठीक है, वो करने लगी थी सर, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी। यार सान आपके पैर और आप पीछे लेटे आ रहे हो, इस टाइम हम बहुत थके होते हैं, इसलिए सान से हमेशा आपको नज़र आएंगे। सो मैं आई वेंट फॉर अ स्टोर रेट एट मेट्रो और मैंने वहाँ से लिए हैं जूते, एक मैंने हील ली है, उसके अलावा जो मुझे चप्पल पसंद आ रही थी या जो मुझे मेरी टाइप की थी वो मुझे वाइट या इस तरह के पेस्टल कलर्स में आई थी, वो मेरे पास काफ़ी हैं वाइट के ऑप्शंस, और इस तरह न्यूट्रल न्यूड और ये ऑप्शन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो मैं शायद ईद पे भी पहन लूँ और कुछ मेरे पास पहले नहीं है, इसीलिए मैंने एक ही ले ली और एक मैंने ले लिया रेड। ओए मेरा आईपैड, और मैंने एक लिया गुस्सा, पहले लेट मी शो यू द हीट आई गॉट। लुक नवाल, आई गॉट शू, दे लुक रियली नाइस ऑन, काफ़ी ब्लिंगी ब्लिंगी हैं, लुक एट देम। और ये ऐसा कलर है कि जब ज़्यादा लाइट हो तो ये वाइट सा लगता है, ऑफ वाइट सा, बेज सा थोड़ा, और अगर आप इस लाइट में ऐसे, मतलब मैं आई डोंट नो कैमरे पे इस टाइम कैसा लग रहा है बट अगर ऐसे देखो तो ये गोल्ड सा लगता है और उसके ऊपर सिल्वर की डिटेलिंग है, तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ों का चल जाएगा। बहुत सिंपल प्लेन रेड गुस्सा है, गुस्सा नहीं बल्कि चप्पल टाइप गुस्सा है ऐसा, मैंने इसलिए लिया, मुझे रेड कुछ और ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, इस हील में भी रेड कलर था बट मुझे हील नहीं लेनी थी और मैंने फिर ये ले लिया। इसके पीछे ये नहीं है जो गुस्से के ऐसे होता है, बट इसकी शेप वो है, मतलब चप्पल टाइप ही है, तो मैंने स्पेशली ये लिया। एक और भी मुझे ऐसे अच्छी लगी थी मगर उसके पीछे बंद मतलब था, और मुझे याद आया कि वो ना आपको कभी चुभने लग जाता है, लगने लग जाता है, दिस इज़ लाइक सो ईजी, लाइक स्लिप ऑन और ईजी। सो बेसिक से है, रियली नाइस, काफ़ी सॉफ्ट है। सो आई गॉट दिस, क्या देख रहे हैं आप? वो ये गाना था ना कोई, टिक टॉक ऑन द क्लॉक, आई मैंने रोमिन खानी थी, आई नो बट मेरा वो मैंने फालसा इतना पी लिया कि मेरा पेट अजीब हो रहा है। ऑल्सो मुझे अभी जाके ना अपने स्टूडियो में, जो मैंने जस्ट गन डाला हुआ है, कपड़े गिराए हुए, वो उठानी है अभी के अभी, लाइक राइट नाउ। सो मैं आ गई हूँ अपने स्टूडियो में, पता नहीं आपको कैसी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि जनरेटर चल रहा है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ के एसी जनरेटर पे चला के कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कभी जनरेटर पे ये वाला एसी नहीं हमने ऑन किया है। मैं आई थी इधर थोड़ी सी चीज़ें समेटने, बट वो भी हालात देख के मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा यहाँ पे। सो और यहाँ पे जो मुझे मेरी फ्रेंड ने बैग गिफ्ट किया था वो भी यहाँ पड़ा हुआ था, सो आई थॉट कि मैं ज़रा चेंज कर लूँ बैग, सिंस जो भी मैं हैंड बैग कैरी करती हूँ वो बिल्कुल एक झोला है, उसके अंदर ना पूरी दुनिया समा सकती है, एंड इट इज़ अमेजिंग फॉर ट्रैवलिंग। बट अभी क्या है कि अभी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे सिर्फ कैमरा, वॉलेट, मेरा फ़ोन एंड कीज़ वगैरह रखनी होती हैं,
और इतना ज़्यादा बड़ा कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है. कैरी करना नहीं, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू यूज़ एंड कैरी, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर हाथ डाल के ढूंढना पड़ता है अंधेरे में कि कौन सी चीज़ कहाँ चली गई है, सेंस उसके अंदर बहुत सामान है. सो आई थॉट कि जो मानू ने मुझे गिफ्ट किया था मैं वो यूज़ कर लेती हूँ. मानू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक इट. ये बड़ा भी है, इसमें काफ़ी कुछ आ भी जाएगा एंड स्टिल इट्स कॉम्पैक्ट विच आई रियली लाइक. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो आई वॉज रियली हैप्पी वेन आई सॉ दिस. इट्स वेरी स्लीक एंड नाइस और इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है, ऐसे ऐसे स्लाइड करके ओपन हो जाता है. मैंने बाकी इसकी सारी रैपिंग उस दिन उतार ली थी, वॉन्टेड टू सी कि कैसा है. और अंदर इसकी के एक पॉकेट भी है और काफ़ी अच्छी जगह है वैसे. सो मैं बेसिकली ये लेने आई थी, वहाँ ही जाके उधर लाउंज में ही जाके मैं अपने बैग से इसमें चीज़ें ट्रांसफ़र करूँगी. सो वो आपको कल की व्लॉग में देखने को मिल जाएगा. बट आई थॉट कि मैं आई हूँ तो मैं आपको बैग दिखा देती हूँ. ब्लैक, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक एंड थिंग्स लाइक दैट. अच्छा, तो मैंने मुझे था कि मैं अपना व्लॉग एंड कर दूँगी, बट हमने काफ़ी देर से स्मॉल बिजनेस फीचर नहीं किया था तो आई थॉट लेट्स डू दैट नाउ. तो आज का स्मॉल बिजनेस फीचर है एल्वा और ये बनाते हैं सिल्क कैप और सिल्क पिलो कवर्स. elva.pk मैं नीचे का लिंक भेज दूँगी. बेसिकली आई गॉट दिस ब्लैक सिल्क कैप सर पे पहनने के लिए. इसके दुपट्टे के बस बहुत फनी लगेगी, बट आई लुक सो फनी. सो बेसिकली ये हैं रात में पहनने के लिए ताकि आपके जो बाल हैं वो टूटे ना और सही रहें. इफ़ यू नो तो यू नो कि सिल्क इज़ गुड फॉर योर हेयर एंड योर स्किन. तो मैंने इसलिए ये ऑर्डर किया क्योंकि सिंस यू नो मैं बाल हमेशा अपने ना बांध के रखती हूँ और आहत के बाद तो बाल वैसे ही बहुत टूटते हैं. आई वॉज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड सी अगर कोई डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि नहीं आता. ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मेरे लिए वर्क किया है, क्योंकि मेरे जो है ना मैं इसे बन सा बना के उसको कैचर में भी जो हर टाइम करके रखती हूँ और ऐसे ही सो जाती हूँ. बट बीच में क्या हुआ था कि मेरा सर दर्द मैंने आपको बताया बहुत होने लग गया था, हम जो बाल तंग कर रहे थे मेरे, तो मैंने ना छुट्टियाँ बना के सोना शुरू की और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई एंड आई रियली फेल्ट कि मेरे जो बाल है वो कम टूट रहे हैं और थोड़े बेहतर होने लग गए थे. पूरा वीक मैंने ऐसे किया था, उसके बाद फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं लेजी हो गई और फिर मैं बालों को बहुत गंदे तरीके से बांधने लग गई. सो अब मुझे दोबारा से करने की ज़रूरत है और छुट्टियाँ बना के ना मुझे बहुत सुकून से नींद आएगी ट्रस्ट में. और ऑल्सो मैंने ऑर्डर किया है एक सिल्क पिलो केस. ये मेरे बालों से ज़्यादा ना मैंने ऑर्डर किया है अपनी स्किन की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत स्वे रखनी थी, अब बहुत 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 बेटर हो गई है. कभी इसके बारे में भी बैठ के आपको डिटेल से बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया क्या नहीं किया. बहुत 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 बेटर हो गया है, ट्रस्ट मी. आई वॉज हिटिंग माई स्किन नॉट बिकॉज कि मुझे वैसे प्रॉब्लम है, मेकअप के बगैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई लव माई सेल्फ, बट बिकॉज आई लव मेकअप तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं मेकअप अप्लाई कर रही थी कि यू नो इतना स्मूथ नहीं जा रहा मुझे, वैसे यू नो मज़ा नहीं आ रहा मेकअप करने में, तो उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी. आई वॉज लाइक देन आई यू नीड टू डू समथिंग एंड देन यू नो आई ट्राइड अ फ्यू थिंग्स और कुछ वर्क कर गई और अब मेरी स्किन के ऊपर फिलहाल कोई एक्ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मार्क्स रह गए हैं. और आई थिंक वो तो टाइम लगाते हैं जाने में, आई एम स्टिल यूजिंग अ फ्यू प्रोडक्ट्स बट आई थिंक वो प्रोसेस ज़रा स्लो होता है. अच्छा, फिर आते हैं दोबारा से, हम इस पर आते हैं, बीच में अपनी बातें करने लग जाती हूँ. अच्छा, तो ये है पिलो कवर, सिल्क पिलो कवर. बहुत ईजी है, इसने इसको अपने ऐसे करके रात पे अपने रात पे इसको बड़ा ईजी है कवर बना हुआ है ऐसे इलास्टिक. यहाँ पे अपने तकिए उसके आगे जाना है, आपने अपने तकिए पर चढ़ा लेना है इसको एंड देन सो जाना है. आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है ये और आपके बालों के लिए तो अच्छा है ही एंड मतलब आपको ज़्यादा बाल नहीं टूटते इससे एंड ऑल दोज थिंग्स. टेक्निकल नहीं जाती क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, अगर आपको ज़्यादा पता करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्या साइंस है और क्या सब कुछ है. बट अब मैं यू नो ये यूज़ करना शुरू करना चाहती हूँ. ऑल्सो मुझे कन्वीनियंट इसलिए इस वजह से ऐसे लगा, आप खुद भी सिल्क लेके कर बनवा सकते हैं बट आई वॉज लाइक कि सुपर कन्वीनियंट है, आप बस और ले लो. और इन्होंने ऑलरेडी इस तरह इलास्टिक किया हुआ है कि सारा दिन नहीं मैं चाहती कि वो पिलो कवर चढ़ा रहे क्योंकि वो फिर डस्ट होती है, यू नो मुझे होता है आहद आहद हाथ लगा रहे हैं, गंदे खाने वाले हाथ भी लगा देते हैं उसी के ऊपर. रात को मैं ऐसे करके सो जाती हूँ तो मेरी स्किन और ब्रेकआउट होने लग जाता है. तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इसको नो रात में चढ़ा लिया और सुबह फिर उतार लिया. सो ये ईजी और बहुत लंबा सा ऐसे हो गया. आई विल लीव ऑल देयर लिंक्स डाउन बिलो. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली. इंशाल्लाह ईद आने वाली है, मज़े मज़े के वो
वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं जिन पर एहसान लगाएंगे मुझे मेहंदी, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और अगर आपके पास कोई मज़े का अच्छा डिज़ाइन है तो मुझे टैग कर दें या डीएम कर दें इंस्टाग्राम के ऊपर, तो फिर एहसान को दिखा के वो लगवा लेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू गाइज, रमज़ान मुबारक, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर मी। अल्लाह हाफिज़।